नमस्कार, बड़ी खबर के साथ मैं हूं रजनी सिंह। सावन के महीने के चलते पूरे देश में भगवान शिव के जयकारों के बीच शिवालयों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। झारखंड के बड़े शिव मंदिरों का भी यही हाल है। रांची के पहाड़ी मंदिर में भी भक्त अपने भगवान के दर्शन करने पहुंच रहे हैं, लेकिन ये पहाड़ी मंदिर फिलहाल खतरे के निशान पर है, जिसका कारण है भूस्खलन। बारिश के चलते मंदिर के नीचे अब मिट्टी का कटाव भी बढ़ गया है। जानकारों का मानना है कि पहाड़ी मंदिर पर पिछले साल सबसे ऊंचे तिरंगे को फहराने के लिए बनाया गया फ्लैट पोस्ट इसकी वजह है। ऐसे में अब विपक्ष भी सरकार पर लापरवाही का आरोप लगा रहा है, जबकि सरकार अब तक उदासीन बनी हुई है। क्या वाकई पहाड़ी मंदिर खतरे में है? बड़ी खबर में इसी पर चर्चा करेंगे। राजधानी रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। करीब 6,000 लाख साल पुराना ये पहाड़ी मंदिर अब खतरे में है। ये कभी भी जमींदोज हो सकता है और लोग बड़े हादसे का शिकार हो सकते हैं। एक रिपोर्ट देखिए। बोल बम ताड़क बम। सावन शुरू होते ही रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं और हमेशा यहाँ भीड़ देखी जा सकती है। लेकिन इस मंदिर का हाल देखें तो नीचे से जमीन की मिट्टी लगातार धंस रही है। बारिश के कारण यहाँ मिट्टी का कटाव भी हो रहा है और इससे कभी बड़ा हादसा भी हो सकता है। जबकि मंदिर के चारों ओर घनी आबादी बसी हुई है, ऐसे में इस पहाड़ी मंदिर से गिरने वाला एक पत्थर भी बड़े हादसे का कारण बन सकता है। जिस तरह से पहाड़ है, पहाड़ भी बहुत बड़ा नहीं है, मंदिर भी है, रोज हजारों लोग वहाँ दर्शन कर रहे हैं, आस्था का एक जगह है, और ऐसे में भूस्खलन होता है तो उसको रोकने के लिए प्रबंधन भी करना पड़ेगा। और वहाँ जितना भी भूस्खलन हो रहा है उसको हम कैसे रोक सकते हैं? अधिक पेड़ लगा सकते हैं, घास लगा सकते हैं और मिट्टी वहाँ डाल सकते हैं। वहीं अगर बात करें इस ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर की, तो 26 एकड़ के क्षेत्र में फैला ये पहाड़ी परिसर है और 2140 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर में श्रद्धालु 468 सीढ़ियां चढ़कर बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। इस पहाड़ी मंदिर परिसर में 7 मंदिर हैं। यहां 2016 की जनवरी में देश का सबसे ऊंचा तिरंगा फहराया गया था, जिसके लिए 26 टन का फ्लैग पोस्ट बनाया गया था और उस समय 150 पेड़ काट दिए गए थे। इसके बाद से ही मिट्टी के कटाव से मंदिर के क्षतिग्रस्त होने का खतरा बढ़ रहा है। कोई भी बड़ा फाउंडेशन, झंडा ही नहीं, जो भी बड़ा फाउंडेशन अगर आप वहाँ बनाइएगा तो बहुत सोच समझ के बनाना होगा, क्योंकि क्या होता है कि जब वो चट्टान नीचे कमजोर होगी, आप उस पर सबसे ज्यादा लोड देगा तो कहीं ना कहीं हमारा बिल्डिंग, कहीं ना कहीं वो पहाड़ जो है वो दरकेगा। ये पूरे विश्व में हो रहा है, आप देखिएगा, चाहे उत्तराखंड हो, कहीं भी जहाँ भी इस तरह का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा हो, तोड़ा जा रहा हो रोड बनाने के चक्कर में, तो आप देखिए तो भूस्खलन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं चट्टान पर भी लोड बढ़ेगा। जब काफ़ी अधिक बारिश होगी तो मुझे लगता है कि एक खतरा तो बनता है। वहीं राजनीतिक दल पहाड़ी मंदिर के भूस्खलन और यहां हुए निर्माण को लेकर एक दूसरे पर वार पलटवार भी कर रहे हैं। विपक्ष ने तो इसे सरकार और विभाग की लापरवाही करार दे दिया। रांची का पहाड़ी मंदिर स्वतंत्रता के समय से ऐतिहासिक रहा है, उसी मंदिर पर हिंदुस्तान में वही एक मंदिर है जहां राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया जाता है, और इस मंदिर की अपनी अपनी मान्यताएं हैं, बहुत दूर दूर से लोग श्रद्धालु आते हैं। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि भूस्खलन की जो बात है, इसके पहले भी जब पहाड़ी मंदिर के जीर्णोद्धार और सुंदरीकरण की बात हो रही थी, उस समय भी बीआईटी मिश्रा से, मैकॉन से, हर एक जगह से इंजीनियर को बुलाया गया था और उन्होंने अंदेशा जाहिर किया था। वर्षा के कारण भूस्खलन थोड़ा बहुत होता है, लेकिन ये बात सही है कि भाई सुरक्षा वहाँ पर होनी चाहिए, ताकि जो प्रतिदिन सावन के दिनों में जो हजारों लाखों लोग आएंगे तो कहीं कोई ऐसी घटना दुर्घटना ना हो। हालांकि भूधसान की समस्या को लेकर अब तक सरकार और जिला प्रशासन सजग नहीं हुआ। ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या प्रशासन किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार तो नहीं कर रहा? रांची से मोइजुद्दीन की रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।
देश का सबसे ऊंचा तिरंगा इसी पहाड़ी पर लहराया था और शान से लोग कह रहे थे कि ये देखिए हमारा तिरंगा। अब जो बनाया गया था फ्लैग मार्च उसकी वजह से 26 टन का था, 150 पेड़ काट दिए गए। उस वक्त नहीं सोचा कि ये शान के साथ साथ समा भी सकता है ये पहाड़ी मंदिर जमीन के अंदर भूस्खलन से। बात शुरू करते हैं, हमारे साथ सबसे पहले हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। मुजुद्दीन, सबसे पहले सवाल आपसे, लोग जाते हैं वहां पर, क्या क्या महसूस करते हैं? उन्हें डर नहीं लगता कि हम ऊपर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि भूस्खलन हो और उसके बाद जमीन दोजी हो जाए पूरा का पूरा मंदिर? बिल्कुल रजनी, सबसे पहले मैं ये जानकारी देना चाहूंगा कि 23 जनवरी 2016 ये रांची ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि इसी दिन रक्षा मंत्री मनोज पारिकर खुद यहाँ पे, मनोहर पारिकर खुद यहाँ पे आए थे और इस झंडे का यहाँ पे शिलान्यास किया था, ये झंडा उद्घाटन हुआ था। और इसके बाद से यहाँ पे देखा जा रहा है कि भूस्खलन का जो ये जो निर्माण हुआ पहाड़ी मंदिर परिसर में, विश्व का सबसे ऊंचा ऐतिहासिक, ये विश्व का सबसे ऊंचा झंडा को लेकर के, और यहाँ पे भूस्खलन का जो मामला है ये लगातार बढ़ता जा रहा है। और खासकर अभी सावन है और सावन में लाखों हजारों श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए, अपनी कामनाएं अपनी मन्नतें मांगते हैं। और ऐसे में अभी जो पहाड़ी मंदिर का जो पूरा परिसर है, खास करके जो सीढ़ियां हैं जो वहां पे रेलिंग लगे हैं, वो धस रहे हैं और एक भी पत्थर अगर गिर जाता है किसी पे तो ये एक बड़ा हादसा भी हो सकता है। ऐसे में प्रशासन और ये क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा पहाड़ी मंदिर और कैसे लोग इससे बच पाएंगे। रजनी, फ्लैट पोस्ट जब बनाया गया था, तिरंगा जब लहराया गया था, तब क्या इस बात की आशंका नहीं जताई गई थी कि ये जो आप कर रहे हैं 150 से ज्यादा पेड़ काट रही हैं, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? बिल्कुल, कई कई इस तरह के कई जो साइंटिस्ट थे, जो भूगर्भ शास्त्री थे हमारे नीतीश प्रियदर्शी या फिर जितने भी यहाँ पे साइंटिस्ट है, उन सभी से राय मशवरा भी किया गया था कि यहाँ पे किसी तरह का निर्माण ना हो, क्योंकि यहाँ जो पत्थर जो है, पहाड़ी जो पत्थर है, ये सदियों पुराना पत्थर है और ये पत्थर जो है अब धीरे धीरे करके जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है ये पत्थर बिल्कुल बलुआई हो गई है और ये ध्वस्त होती जा रही है और धसती जा रही है, लगभग मिट्टी का रूप ले ली है। और इस तरह से निर्माण करना ये कहीं ना कहीं खतरे से खाली है और ये धीरे धीरे करके सरक रही है वहां से मिट्टी। खास करके यहाँ जिस समय झंडा फहराया गया था उस समय करीब 150 पेड़ भी काट दिए गए थे, इससे भी जो जमीन का जो बालू कटाव जो हो रहा है, जो मिट्टी का कटाव हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये भी उसका प्रभाव है और ये दुष्प्रभाव के रूप में भी माना जा सकता है। रजनी, मुजुद्दीन, अब आपसे ये जानना चाहेंगे जो हो गया है अब उसे ठीक करने के लिए क्या प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं? सावन शुरू हो गया है, लाखों लोग पहुंच रहे हैं दूर दूर से, अब उनकी सुरक्षा की क्या क्या व्यवस्था की है? बिल्कुल रजनी, जिस तरह से सावन शुरू हो गया है, श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं, लाखों हजारों की भीड़ भी लगती आ रही है, यहाँ बार बार लोगों की भीड़ चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस वक्त सुरेंद्र सिंह भी जुड़ गए हैं, जिला अध्यक्ष कांग्रेस के, स्वागत है आपका बहुत बहुत सुरेंद्र सिंह जी। जी नमस्ते, नमस्कार नमस्कार। ये शान से जो तिरंगा लहराया था वो वाकई में हमारे लिए गर्व की बात थी कि देश का इतना ऊंचा तिरंगा लहराया है, लेकिन उस वक्त जब ये सब कुछ किया गया था, 150 पेड़ काट दिए गए थे, क्या विरोध किया था विपक्ष ने उस वक्त भी कि आप जो कर रहे हैं देश के लिए, ये देश के ही लोगों के लिए, मंदिर में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए खतरनाक हो सकता है? देखिए, बहुत सही बात आपने कहा, यह सिर्फ रांची और झारखंड के लिए नहीं पूरे देश के लिए गर्व की बात थी। और रांची पहाड़ी मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहां पूरे देश में इसी मंदिर के ऊपर तिरंगा फहराया जाता है जब देश आजाद हुआ उस समय से। लेकिन प्रकरण में जिस तरह से पहाड़ी मंदिर का ढांचा था उसमें बहुत सारे मिट्टी गिरने लगे, बैरिकेडिंग हुई उसके ऊपर लगाए गए उसको रोकने के लिए कि मिट्टी का धसाई बंद हो, अगल बगल उसमें झोपड़ी बना के लोग रहने लगे, लेकिन सरकार ने उन झोपड़ी वालों को भी हटाया, मिट्टी के खदान को भी हटाया, पेड़ पौधे को भी काटा गया। क्या हम लोगों ने उस समय भी काफी विरोध किया, माननीय केंद्रीय मंत्री उस समय सुबोधकांत सहाय जी थे, रांची के सांसद थे, उन्होंने भी इसका विरोध किया, सारे बीआईटी से संतुष्ट आए, मेकन से साइंटिस्ट आए, उन लोगों ने कहा कि इसके पैरेलल अगर कोई सीढ़ी बनाया जाता है तो फॉर फ्यूचर ये पहाड़ी मंदिर के गिरने की संभावना है। तो लोग, लेकिन पहाड़ी मंदिर विकास समिति के नाम से एक प्रशासन ने बनाया सरकार के प्रेशर पे, उस समिति के द्वारा इन लोगों ने एक पैरेलल सीढ़ी का निर्माण किया,
इससे कम ऊंचाई पर लोग चढ़ पाएंगे, लोगों को आराम मिलेगा। आराम तो लोगों को जरूर हुआ लेकिन खतरा उतना ही बढ़ गया। और आज लाखों लोग सावन के महीने में बाबा का जल अभिषेक करने आते हैं, रुद्राभिषेक करने आते हैं, उनके जान पर कहीं न कहीं गंभीर खतरा मंडरा रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये पूरी जिम्मेवारी राज्य सरकार और यहाँ के जिला प्रशासन की है। ठीक है, कितना खतरनाक है वो बात कर लेते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। नीतीश प्रियदर्शी जुड़ गए हैं, भूगर्भ शास्त्री हैं। बहुत बहुत स्वागत है नीतीश जी आपका न्यूज इंडिया पर। जी धन्यवाद। सावन में भीड़ पहुंच रही है उस मंदिर में जहां पर खतरा बहुत ज्यादा है, बात कर रहे हैं पहाड़ी मंदिर की। ये जो फ्लैग पोस्ट लगाया गया था, ये जो 150 पेड़ काटे गए थे, क्या उसकी वजह एक बड़ी वजह यही है भूस्खलन की और मंदिर अब खतरे में है? नहीं देखिए, ये फ्लैग पोस्ट तो बाद में लगा था, पहले भी ये मंदिर में दो बार भूस्खलन हो चुका है। क्योंकि जिस तरह का रिपोर्ट जो हम लोगों ने दिया था कि ये एक प्राचीन चट्टान है, इसको हम लोग जियोलॉजिकल वर्ड में खोंडालाइट्स कहते हैं, और ये हिमालय से भी करोड़ों साल पुराना है। करीबन इसकी गणना हम लोग करते हैं 650 मिलियन ईयर्स ओल्ड, और इसमें तीव्र ढाल है। इसका जो ढाल है बहुत तीखा ढाल है, और उसमें कोई भी बड़ा कंस्ट्रक्शन, चाहे वो इस तरह का टावर हो चाहे मंदिर का बृहद रूप हो, कहीं ना कहीं एक लोड देगा इस पे पहाड़ पे। और ये पहाड़ जो है उस तरह का हार्ड रॉक पर नहीं टिका हुआ है, बहुत सारे चट्टान जो है मट्टी बन चुके हैं, जिसके चलते एक लूट देने से उस पर एक भूस्खलन का खतरा हमेशा बना हुआ है। क्योंकि ये पहाड़ दो बार कुछ कुछ छोटे छोटे पोर्शन पर ये भूस्खलन हो चुका है पहले भी, आज से 7-8 साल पहले। तो जब ये पहाड़ की ये टेंडेंसी है भूस्खलन होने की, तो इसमें खतरा एक जरूर बना रहता है, अलर्ट रहने की जरूरत है। क्योंकि जैसे हमने कहा कि पहाड़ काफी प्राचीन है और मिट्टी बन चुका है, तो कहीं ना कहीं आगे पेड़ भी हम लोगों ने हटा दिया है जो सॉयल को पकड़ के रखता है, और हेवी कोई भी हेवी कंस्ट्रक्शन इस पे एक खतरा दिखता है, क्योंकि खोंडा लाइट पर कोई भी बड़ा कंस्ट्रक्शन जियोलॉजिकली मना है। जी तो अब कोई उपाय है? पेड़ लगाए तो इतने जल्दी नहीं जा सकते, बड़े भी नहीं हो सकते हैं, अब क्या एहतियात बरत सकते हैं जो श्रद्धालु जा रहे हैं? देखिए श्रद्धालु अभी तो सावन शुरू हुआ है, ये तो खतरा हमेशा बना रहेगा, क्योंकि ये पहाड़ एक घनी आबादी के बीच में है और हमारा ऐतिहासिक पहाड़ भी है, ये सारे चीज इसमें है। तो मुझे लगता है कि इसको हमेशा सावन ही नहीं, ये तो बारह मास इस पर अलर्ट रहना पड़ेगा। और दूसरा ये है क्योंकि अब जो स्थिति हुई, क्योंकि अब कोई भी बड़ा कंस्ट्रक्शन आगे इसको खतरा दे सकता है, जो कंस्ट्रक्शन हुआ है वही रुक जाए। और दूसरा ये है कि अगर पहाड़ पर मंदिर बनाना ही इतना ही जरूरी है, तो आपको लोड को शिफ्ट करना होगा, लोड पहाड़ पर नहीं देके कहीं और देना होगा, जो कि बहुत कॉस्टली अफेयर होगा। तो मुझे लगता है कि पहाड़ को अब तो काफी हद तक इसका नुकसान हो चुका है, लेकिन अभी भी समय है कि अगर हम कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन ऊपर नहीं करके कोई छोटा कंस्ट्रक्शन कर दें, तो मुझे लगता है कि इस पहाड़ पर खतरा जो है कुछ समय तक टल जाएगा। एक और छोटा सवाल कि शायद लोग जानना चाह रहे होंगे, अब मंदिर वहीं रहेगा या फिर अब ऐसी स्थिति आने वाली है कि ये लोग जो जा रहे हैं, लाखों श्रद्धालु हर रोज आ रहे हैं जा रहे हैं, लाखों तो हो ही जाते होंगे सावन के महीने में, क्या मंदिर को शिफ्ट करने की जरूरत तो नहीं आन पड़ी है? क्या आप मंदिर को शिफ्ट करिए ताकि वहां पर भक्त ना जाएं, दर्शन नीचे करें, क्योंकि ऐसे में तो लोगों की जान ही खतरे में है। बिल्कुल, देखिए जो मंदिर जो पहले हमारा छोटा स्वरूप था मंदिर का, बहुत सुरक्षित था, अगर उसी स्थिति में मंदिर को छोड़ दिया जाए तो मुझे लगता है कि खतरा फिलहाल नहीं रहेगा, क्योंकि वो छोटा मंदिर था पहले और इतने सालों से था। ये जो बड़े स्केल में मंदिर बनने की जो स्थिति हो रही है उसमें एक खतरा बन रहा है, जो तोड़फोड़ हो रहा है ऊपर में, तो कहीं ना कहीं वो हैमरिंग से और भूकंपन, जो कंपन होता है तोड़फोड़ करने से मट्टी में बनता है, जिसके चलते वहां भूस्खलन का एक खतरा बना रहता है। तो फिलहाल अगर मंदिर को भी टच ना किया जाए तो मुझे लगता है ये खतरा, क्योंकि देखिए ये खतरा बोल के नहीं आएगा, कब आएगा ये हम लोग नहीं कह सकते। जी जी हाँ, तो इसके अभी फिलहाल जो स्थिति है, मंदिर को ना छेड़ा जाए तो लोग आराम से भी जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, उसमें कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मंदिर का बृहद रूप हुआ तो वहां पर प्रशासन को अलर्ट रहना पड़ेगा कि जहां पर दरारें क्रिएट हुई हैं, जहां दरार अभी बन चुका है मट्टी में, वहां पर वो प्रशासन विशेष ध्यान रखें, जरा सा भी भूधसान का खतरा अगर महसूस हो तो लोगों को अलर्ट करें। जी यानी कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जो कुछ कर रहे हैं अब उन्हें दुविधा में डाल दिया गया है, सीधे सीधे ये लग रहा है यहाँ पर। तो अब कांग्रेस के नेता सुरेंद्र सिंह भी जुड़े हुए। सुरेंद्र सिंह जी, भगवान
जब ऐसा कुछ होगा तो भगवान भी रक्षा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कहते हैं भाई जब आपने किया है तो आपको भुगतना होगा। सरकार अब जैसे कह रहे हैं, अभी नीतीश जी कह रहे थे कि अब ठीक है, जितना कंस्ट्रक्शन काम आपने कर लिया है अब कम से कम रुक जाइए, आप मंदिर को उसी स्वरूप में रहने दीजिए। आप लोग की अब कोशिश क्या होगी सरकार को जगाने की, बताने की, अब कैसे आप लोग साथ देंगे सरकार का, साथ देंगे सरकार का और जनता इसमें ना पिसे, इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा। देखिए बहुत सही बात कहा नितिन जी ने, लेकिन आपने जो कहा कि मंदिर को कहीं शिफ्ट करने की बात, ये संभव नहीं है, क्योंकि लोगों की आस्था वही जुड़ी हुई है। दूसरी बात, मैं बगल में ही रहता हूँ, मैंने पहले भी देखा है बचपन से ही इस पहाड़ी मंदिर का पत्थर बहुत ऊंचाई से गिर के आता था, मिट्टी उसकी धस के आती थी जब ज्यादा बारिश होती थी या बिना बारिश के भी, तो उसको तो रोकने का उपाय उसी समय भी प्रॉपर ढंग से नहीं हुआ। और पहाड़ी मंदिर विकास के नाम पर सिर्फ राशि लूटने के लिए इस पहाड़ी मंदिर का ऐतिहासिक महत्व को हम लोग समाप्त करने जा रहे हैं। इसके लिए मैं समझता हूँ कि हम सारे लोग दोषी हैं, अगर सिर्फ सरकार और प्रशासन को ही अगर हम लोग दोष दें तो ये गलत साबित होगा। मुझे लगता है कि सारे लोगों को मिलकर इस बात की आवाज उठानी चाहिए, जैसा हमारे नितिन जी ने कहा, जियोलॉजिस्ट हैं, उनको अच्छी जानकारी है, मेरे से बढ़िया उनको टेक्निकल नॉलेज है, उन्होंने कहा कि जो प्रारूप है उस प्रारूप में कहीं छेड़छाड़ नहीं किया जाए और न्यू कंस्ट्रक्शन को अविलंब बंद कर दिया जाए, साथ ही साथ श्रद्धालुओं को भक्तों के रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए अगर प्रॉब्लम होता है ऊपर में, अगर उसकी जाँच हो जाए तो हम लोग अर्घा सिस्टम से भी जल अर्पण की व्यवस्था कर सकते हैं, जैसे बाबा धाम में होता है, अर्घा सिस्टम से भी लोग नीचे से भी बाबा को जल अर्पण कर सकते हैं, इस तरह से हम उनकी रक्षा कर सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं। और फिर जो हमारे बड़े बड़े जियोलॉजिस्ट हैं उनसे राय करके किस तरह इसको मजबूती प्रदान किया जा सकता है, पेड़ लगाने से मजबूत होगा या मिट्टी गिराने से मजबूत होगा, उन्होंने बताया कि हजारों हजार साल पुरानी ये चट्टाने हैं जो मिट्टी बन चुकी है, तो इस पर सरकार को तो गौर फरमाना होगा। ठीक है, सरकार को गौर फरमाना होगा। सरकार की तरफ से चर्चा में भाग ले रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता दीनदयाल बर्णवाल जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है दीनदयाल जी आपका। रजनीश जी धन्यवाद जी। रजनीश जी अभी अभिवक्ता में कौन थे? कांग्रेस की तरफ से है, जिला अध्यक्ष है कांग्रेस के सुरेंद्र सिंह जी। अच्छा अच्छा, हाँ बोले उनका जवाब देना चाहेंगे तो बिल्कुल बेशक आप दीजिए उनकी बात का जवाब। नहीं नहीं, जवाब तो अलग बात है, मैं जानकारी लेना चाह रहा था और कोई बात नहीं। ठीक है, बोला जाए। हाँ दीनदयाल जी, ये जो पहाड़ी मंदिर है, शान पूरे देश की, यहाँ पर तिरंगा लहराया गया, गर्व हुआ सबको, लेकिन ये शान श्रद्धा से भी जुड़ी हुई है। अब भूस्खलन की जो प्रॉब्लम हो रही है उसके बारे में सरकार ने क्या सोचा है, किस तरीके से आप अलर्ट है? सावन में तो हजारों लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। देखिए सबसे पहले तो कांग्रेस के तरफ से जो बंधु थे, मैं उनका सिर्फ छोटा सा एक जवाब देना चाहता हूँ। उन्होंने जो कहा कि पहाड़ी मंदिर विकास के नाम पे पैसे की लूट हो रही है, यह शब्द मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि देखिए जहाँ आस्था का विषय होता है वहाँ पैसे लूटने की बात कभी नहीं आती है और आना भी नहीं चाहिए। और कोई मुझे नहीं लगता है कि पहाड़ी मंदिर में निर्माण के नाम पे कोई पैसा लूटा होगा, क्योंकि यह आस्था के साथ साथ ये हृदय का बात है। ये पूरी तरह से जब हम एक मंदिर में 10 रुपया चढ़ाते हैं और मेरा मित्र अगर 10 रुपया चेंज नहीं है दे देता है तो हम वापस करते हैं, इसलिए कि नहीं वहां पे चूंकि वो श्रद्धा मेरा है और मैं वहां पर खर्च करूंगा, और ऐसा मुझे नहीं लगता। चलिए कोई बात नहीं, ये उनका अपना विचार होगा, उस पर मैं मुझे इससे ज्यादा और टिप्पणी नहीं करना है। सबसे बड़ी बात है कि देखिए ये पहाड़ी मंदिर एक श्रद्धा का विषय है, एक रांची के लिए एक गर्व का विषय है जी जी। इसे हम सब मिलकर के बचाना पड़ेगा। सरकार का एक पक्ष हो सकता है, जियोलॉजिस्ट का एक पक्ष हो सकता है, लेकिन आम लोगों के लिए यह बचाना बहुत आवश्यक है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसा लग रहा है कि इसकी थोड़ी जो स्ट्रक्चर है उसमें अगर थोड़ा सा भी कमी आ रही है तो निश्चित तौर पे प्रशासन को इसमें जो संख्या है, क्योंकि अचानक सावन में
संख्या बहुत बढ़ जाती है। दीनदयाल जी हमारे साथ जो भूगर्भ शास्त्री जुड़े हैं, नीतीश जी कह रहे हैं आप जो मंदिर को बनवा रहे हैं, बृहद रूप दे रहे हैं, अगर आप यहीं पर रुक जाएं तो शायद उतना खतरा नहीं है, लेकिन अगर आप काम करते रहेंगे तो चट्टान धंसने की आशंका है। नहीं, अगर भूगर्भ शास्त्री ऐसा कह रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मंदिर निर्माण समिति और हमारा प्रशासन यह दोनों को उनके बातों पर जरूर संजीदगी से विचार करना चाहिए और कोई भी कदम उठाने के पहले, क्योंकि यह विषय सिर्फ आस्था का साथ साथ हमारे शहर के बीच में एक बड़ी पहाड़ी के रूप में है और अगर ऐसा कुछ भी होता है तो बहुत तरह की आशंकाएं, बहुत तरह की समस्याएं आ सकती है, इसलिए हर एक बात को समझते हुए। और दूसरी बात मैं जो कहना चाह रहा था जिसमें आपने बीच में रोका कि यह सावन में अचानक भक्तों की संख्या 10 गुना बढ़ जाती है जी जी। और यही सावन में चूंकि बरसात का समय होता है, मिट्टी गीली हो जाती है, तो ये दोनों चीज को देखते हुए मुझे लगता है कि भक्तों की संख्या को भी नीचे ही जब कोई अति भक्त की संख्या हो तो नीचे ही रोक देना चाहिए, ऐसी भी व्यवस्था एक करनी चाहिए। अच्छा, आपके मित्र कह रहे हैं, अच्छा सुझाव दे रहे हैं सुरेंद्र जी, के देवघर की तरह अर्घा सिस्टम आपको शुरू करना चाहिए ताकि लोगों की इसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जब अर्घा भी सिस्टम आप करेंगे है ना, उनका सुझाव सही है लेकिन शायद पहाड़ी के लिए नहीं है। क्यों नहीं है कि पहाड़ी पर भी अर्घा सिस्टम भी करेंगे तो उतने लोग तो चढ़ ही जाएंगे ऊपर, उतने लोग तो चढ़ ही जाएंगे ना, वो जमीन पे तो नहीं है ना हमारे भोले बाबा, वो तो पहाड़ी पर है, इसीलिए अर्घा सिस्टम भी करेंगे तो भी उतने लोग तो ऊपर में ही रहेंगे ना, जिसका लोड कहीं ना कहीं। तो सरकार आपकी, आप बताइए, अब आप बताइए आप लोग कैसे इस बात का हल निकाल रहे हैं। नीतीश जी भी बैठे हुए, नीतीश जी का सुन लीजिए पहले। नीतीश जी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि अभी भी खतरे की है घंटी है, आगाह हो जाइए, आप निर्माण मत करवाइए। क्या वाकई में ऐसा है, थोड़ा बहुत और निर्माण हुआ तो सबको सब कुछ ध्वस्त? देखिए, हमने पहले भी कहा था कि जो ये इसका जो हेवी लोड अगर हम पहाड़ पर देते हैं, जैसे हमने भी कहा कि इसी चट्टान से, खोंडा लाइट चट्टान से आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर बना था जो कि अब अपर्दित हो रहा है, उसमें भी आर्कियोलॉजिस्ट लोग लगे हुए हैं उसको बचाने में, ये पत्थर अपर्दित होता है, वेदरिंग जिसको कहते हैं, तो अगर इसमें कोई भी बड़ा लोड अगर हम देते हैं जो इसकी क्षमता से अधिक हो जाएगा, क्योंकि हमने जैसे कहा कि तीखे ढाल पे है, कोई भी आप विश्व में देख लीजिए जो भी कंस्ट्रक्शन तीखे ढाल पे हुआ है वो भूस्खलन की घटना से प्रभावित हुआ है, चाहे वो उत्तराखंड का हो, चाहे वो फाइलिंग गांव हो, पुणे के पास जो हो, जो रातों रात गांव गायब हो गया वो पहाड़ धंसने से, चाहे उत्तराखंड में उतनी जबरदस्त जो बारिश में भूस्खलन हुआ, ये बहुत जगह भूस्खलन आपको देखने को मिला, खासकर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, जहां भी जो पहाड़ काफी अपर्दित हो चुके हैं, तो कहीं भी जो कहीं भी इस नाची पहाड़ी पर भी, जो हमारा ऐतिहासिक पहाड़ी, जो हमारे मित्र लोग भी कह रहे हैं कि हम लोग भी मानते हैं बचपन से हम भी इस पहाड़ पर चढ़े, लेकिन ये पहाड़ क्या है कि इस पर कोई बड़ा लोड किसी भी विश्व में चल जाइए, खोंडा लाइट पर ये मना है, खोंडा लाइट पर कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन डायरेक्ट उस पर नहीं देना है लोड, ये लोड को शिफ्ट करना होगा, मंदिर वही रहेगी, लोड आप शिफ्ट कीजिएगा तभी वो पहाड़ समझे, क्योंकि कोई भी हेवी कंस्ट्रक्शन इसको पहाड़ को, क्योंकि देखिए आप कितना भी इस पहाड़ को बांधिए लेकिन जब पहाड़ भू धसेगा ना वो जो भी कंस्ट्रक्शन आपकी रहेगा उसको भी तोड़ देगा, क्योंकि प्रकृति है ये। ठीक है दीनदयाल जी, सुना आपने क्या समस्या है, अब हल सरकार के पास, आप सरकार की तरफ से जवाब दे रहे हैं क्या? बात देखिए, ये सरकार के साथ साथ सामाजिक संगठन को दिया गया है जो मंदिर विकास समिति है और प्रशासन के साथ मिलकर उनको करना है, और मुझे जैसा लगता है कि इसमें तत्काल किसी भी तरह से ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसमें कि पहाड़ी पे किसी भी तरह की आशंका बनी रहे, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि चैनल को देख रहे चाहे प्रशासन के लोग हों, चाहे मंदिर विकास समिति के लोग हों, आपस में बैठ करके, चूंकि इसमें सरकार का कोई बहुत बड़ा इंटरफेरेंस रहता नहीं है, है भी नहीं, इसमें सीधे तौर पे रांची डीसी, रांची एसडीओ इस कमिटी के अध्यक्ष हैं, और मुझे लगता है कि मंदिर विकास समिति जो है वो लोग इसमें शामिल है, सरकार का कोई पक्ष इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग को बैठ करके, और निश्चित तौर पे जो हमारे बंधु लोग आशंका जाहिर कर रहे हैं उस आशंका को समझते हुए, जियोलॉजिकल की पार्ट को समझते हुए और आस्था को बरकरार रखना, इस पहाड़ी मंदिर को सुरक्षा देना, ये उनका परम कर्तव्य होना चाहिए। ठीक है,
मुजुद्दीन हमारे संवाददाता जुड़े हैं, अगर आवाज आ रही तो आपसे यह जानना चाहेंगे, मंदिर समिति तक क्या ये बात पहुंची है? अब क्या कंस्ट्रक्शन होता रहेगा या मंदिर की जो विकास समिति है वो कुछ सोच रही है इस बारे में कैसे लोड जो बढ़ता जा रहा है उसे कम करेंगे? मुजुद्दीन आवाज आ रही है? जी बिल्कुल रजनी, आवाज आ रही क्या? हाँ जी, ये विकास समिति जो है क्या सोच रही है? अब इतने सारे लोग जब कह रहे हैं कि अगर आप कंस्ट्रक्शन करते हैं ज्यादा लोड डालते हैं सावन में तो और ज्यादा बढ़ जाता है, तो मुश्किलें बढ़ेंगी, अब समिति ने क्या सोचा है? पहाड़ी मंदिर विकास संघर्ष समिति और जितने भी वहाँ भी जो भी यहाँ पे बचाव के लिए समिति संगठन बनाए गए हैं, इन सभी का कहना है कि यहाँ से भूस्खलन का जो मामला है ये बड़ा है। ये खास करके अभी हमारे जैसे प्रवक्ता बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि ये सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन क्या भूसंकलन हो जाने से अगर यहाँ के लोग यहाँ के निवासी जो स्थानीय लोगों के ऊपर जो हादसा हो जाएगा इसके लिए क्या सरकार जिम्मेवार नहीं होगी? और खास करके यहाँ जिस तरह से संगठनों का कहना है जो समिति है कि ये भूसंकलन हो रहा है और काफी समय से हो रहा है, लेकिन फिर भी सरकार या निगम के अधिकारी जो भी हैं ये इस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। दीनदयाल जी, वक्त थोड़ा कम है, देखिए वही बात आ गई ना, सरकार आपकी है और सब कुछ। आपने भी जिस तरह से कहा था कि यदि मान लिया जाए कि यहाँ पे अगर ये हो जाता है भूस्खलन हो जाता है, केंद्र बड़ा है, ये यहाँ पे दर्शन का केंद्र है, तो एक चीज जानकारी होना चाहिए रजनी की, जिस तरह से हम लोग जैसे बस में चढ़ते हैं वहाँ पे जो बस के फर्श में जो होता है रिपीट होता है, इसी तरह से पृथ्वी का जो रिपीट होता है वो पेड़ पौधे और पहाड़ होते हैं, पहाड़ को एक रिपीट की तरह बनाया जाता है, और इस तरह से अगर पेड़ को ही पहाड़ को ही काटना यानी कि प्रकृति से खिलवाड़ कर देना होता है। दीनदयाल जी से जवाब ले लेते हैं, वक्त बहुत कम है। दीनदयाल जी, जी यहाँ पे मैं उनको यही मैं बताने जा रहा था कि देखिए यह जो विकास समिति है, पहाड़ी विकास समिति जो बनाई गई है, वहाँ के आसपास के रहने वाले कम से कम 100 लोगों की समिति बनाई गई है, उसमें जियोलॉजिकल भी हैं, रांची के डीसी भी हैं और एसडीओ भी हैं। जब प्रशासन के हो गए तो सरकार की भी हो गई ना, मैं जिम्मेवारी से नहीं भाग रहा हूँ। मेरा कहना है कि जहाँ 100-200 लोगों की समिति बनी हुई है पहले से ही, और उस समिति को यह विचार करना है कि पहाड़ी मंदिर, दीनदयाल जी उस पे भी एक बिग बॉस चाहिए, बिग बॉस चाहिए उसके लिए भी देखने के लिए ठीक से काम हो रहा है कि डीसी है? नहीं, आप समझिए रजनी जी, वहाँ यहाँ के एसडीओ, यहाँ के डीसी ऑलरेडी इसके अध्यक्ष हैं, तो मैं समझता हूँ बिग बॉस की कमी नहीं है। ठीक है, अब जो यहाँ पे विचार दे रहे हैं जो भी बंधु, मुझे लगता है वहाँ भी जाके एक बार विचार दे दें, उन बैठकों में भी दे दें तो बेहतर होगा उनको निर्णय। ठीक है, आपने जवाब दे दिया, वक्त बहुत कम है इसीलिए यहीं पर शुक्रिया अदा करते हैं हम आपका, और नीतीश जी बहुत बहुत शुक्रिया, सुरेंद्र सिंह जी आपका शुक्रिया, हमारे संवाददाता भी आपको बहुत बहुत शुक्रिया, मुजुद्दीन इस तमाम चर्चा में भाग लेने के लिए। खतरे में पहाड़ी मंदिर है, सरकार प्रशासन सबको सोचना होगा कि वहां कंस्ट्रक्शन ज्यादा ना करवाएं, और आसपास के लोगों के लिए भी खतरा है, तमाम लोगों को जागरूक होना होगा, वरना फिर खतरे में सिर्फ पहाड़ी मंदिर नहीं है, खतरे में तमाम लोग होंगे। अब हमें दीजिए इजाजत, तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर, इसके अलावा आप Twitter पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं, Facebook पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।